आप देख रहे हैं अदिति न्यूज भक्ति, बड़ी खबर मिल रही है गोटेगांव से, जहां पर गोटेगांव पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। गोटेगांव पुलिस ने एक नोटों को कई गुना करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। वहीं 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 5,000 रुपये की नगद राशि व नोटों की 5 गड्डियां नोटों जैसी बरामद की हैं। आपको बता दें कि गोटेगांव निवासी देवेश दुबे, जो शिक्षक कॉलोनी के निवासी हैं, उन्होंने पुलिस में एक कंप्लेंट नोट कराई थी कि जबलपुर के 5 लोग हैं जो नोटों को कई गुना करने का झांसा दे रहे हैं, और उनसे भी उन्होंने 5,000 रुपये लेकर 50,000 रुपये करने की बात कही थी, बनाने की बात कही थी, जिसको लेकर देवेश दुबे ने पुलिस में कंप्लेंट नोट कराई थी। पुलिस इनकी फिराक में थी और पुलिस ने इन 5 आरोपियों को जबलपुर से गिरफ्तार कर लिया है, और पुलिस ने इनसे 5,000 रुपये की नगद राशि व नोटों की साइज की 5 गड्डियाँ भी बरामद की हैं तथा कुछ केमिकल्स बरामद किए हैं। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। देवेश उर्फ सानू पिता केदार प्रसाद दुबे हैं, जो शिक्षक कॉलोनी गोटेगांव के रहने वाले हैं। ये कल दिनांक को रिपोर्ट किए थे कि इनके पास एक राकेश विश्वकर्मा, जो जबलपुर का रहने वाला है, ये आया और इनको बताया कि हम पैसे आपको डबल करके, उनने प्रयोग बतौर बताया भी, दिखाया भी वहीं घर में जाके। उनके सुमंत इनके मामा है, उसके बाजू में 200 का नोट उन्होंने रगड़ा और उसमें पट्टी में रख के और चलवा के भी दिखाया उसने। रिंकू किराना करके दुकान था, वहाँ चलाया भी उसने, वो चल भी गया नोट, तो इसको विश्वास हो गया। फिर इनके तय हुआ कि भाई हम 5,000 दे दो हमको, तो हम आपको 50,000 दे देंगे, ऐसा करके इनकी तय हुआ और उसने दे भी दिया। फिर इसको शक हुआ कि ये इस टाइप का ऐसा कर रहे हैं, तो ये फिर थाने में रिपोर्ट किया, अपराध दर्ज कर फिर इनको तलाश की गई। जो 5ों जो आरोपी हैं, राकेश विश्वकर्मा है, रज्जू है, मनीष चौधरी है और मुनिराज करके हैं, ऐसे ये 5ों सभी जबलपुर के हैं। इनको टीम बनाकर थाना प्रभारी गोटेगांव जो प्रभात शुक्ला जी हैं, इनके निर्देशन में यहाँ के उपनिरीक्षक दिलीप सिंह और ASI यादव हैं और भी अन्य स्टाफ है, आरक्षक श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को भी बताया गया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया, उनके निर्देशन में टीम भेज कर 5ों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से नगद 5,000 के असली नोट हैं एवं जो नकली जो कागज़ के हैं वो गड्ढे, वो भी जब्त किए गए हैं और गिरफ्तार कर इनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। किस तरीके से वारदात को अंजाम देते थे इन लोगों, किस तरीके से ठगी करते थे यहाँ तक? यही कि इनको जैसे पहले नोट जो रहता है असली, उसको घिस के बता के इसको चला के देख लो, चल जाए तो आप फिर हमको पैसा देना, तो हम उतने नोट बना के दे देंगे। मतलब असली नोट को उसमें केमिकल का उपयोग करके, एक पाउडर रहता है इनके पास और एक केमिकल रहता है उसमें, और वो पाउडर और पानी में मिला के उसको घिस के और उसी कलर में गोंद वोंद लगा के वो बिल्कुल सेम कलर बना के, जिस नोट को आप मिला के घिसेंगे वैसे ही, जैसे 50 का निकल मिलाएंगे तो 50 का उसमें घिस के साफ आ जाता था। कुछ पता चला इसके पहले ये लोग कहाँ कहाँ वारदात